हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस के स्टडी चैनल। तो हम लोग गाइस परसेंटेज ब्रेकिंग मेथड कर रहे थे, तो मैं आपको सिखा रहा था कि किस तरह फ्रैक्शन को परसेंटेज में ब्रेक करना है, और अगर परसेंटेज हो दिया रहेगा तो उसको फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, ठीक है। तो गाइस आज हमने लास्ट वीडियो में किया था कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, आज के वीडियो में हम लोग करेंगे गाइस कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। अभी कोई भी फ्रैक्शन दिया होगा तो उसको हम लोग किस तरह क्या मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, ठीक है, हम अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी एक फ्रैक्शन होगा उसको, कोई भी एक परसेंटेज होगा उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, हमें बस आज वही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा गाइस, ठीक है। मतलब कोई भी एक नंबर है उसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे वो मैं आज कराऊंगा, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं गाइस, दो तीन है, मैं आपको मतलब एग्जाम्पल दे के सब कुछ करा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइज मैं आपसे ये बस कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे को अवेयर करें ताकि मेरा चैनल ग्रो करे, ठीक है, जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो गाइज बस आप यही करें, ठीक है। और चलिए आज अपना वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है गाइज, ठीक है गाइज, बोल क्या रहा है कि 116.66% है, ठीक है। तो गाइज अगर कोई भी एक नंबर दिया रहेगा, अगर आप उसको इस तरह से, अगर जिस तरह आप निकालते हो नॉर्मल परसेंटेज, ठीक है, उस तरह करोगे तो आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा गाइज। इसी को करने में आपको 2 से 3 मिनट चला जाएगा, ठीक है। बट अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा इसका, तो आप इजीली आप मतलब 10 से 15 सेकेंड के अंदर अंदर ही आप निकाल लोगे। तो इसको करेंगे क्या इसके से, तो सबसे पहले क्या करेंगे गाइज, 116.66% इसको ब्रेक कर लो गाइज। किस में ब्रेक करेंगे, 100% में ब्रेक करेंगे, ठीक है, प्लस 16.66% में इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। जैसा कि गाइज आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 100% का मतलब क्या होता है, 1, है ना, और 16.66% का मतलब क्या होता है, 1/6, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया गाइज, 7/6। तो गाइज 116.66% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 7/6, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ गाइस, 255.55%, ठीक है। तो गाइस इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, अभी 255.55% है तो इसको क्या करना है गाइस, 200 में ब्रेक कर दो, ठीक है। 200% प्लस 55.55%, ओके गाइस। अभी गाइस 200% का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है, जैसा आपको पहले भी बता चुका हूँ, 100% का मतलब 1, तो 200% का मतलब 2, ठीक है, प्लस 55.55% का मतलब क्या होता है गाइस। अगर आप ध्यान से देखो गाइस, ठीक है, तो 1/9 फ्रैक्शन का वैल्यू होता है 11.11%, ठीक है। अगर ये 5 गुना अगर मैं इसको कर दूं, 5/9 कर दूं गाइस, तो ये क्या हो रहा है, 5 गुना ही तो हो रहा है ना, ये क्या है, 1.11.11% का ये 5 गुना ही है, तो मतलब ये 55.55% ही होगा, ओके गाइस। तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा गाइस, 5/9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 18 + 5 23 23/9 ये इसका क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू होगा, ठीक है गाइस। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, जैसे मान लो अगर मैं, ठीक है, अगर मैं गाइस 3, अगर मैं इस तरह लेता हूँ गाइस, एक और मस्त आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, 354, ठीक है, 6/11% लेता हूँ, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे गाइस, अभी तक तो हम पॉइंट में कर रहे थे, डेसिमल में कर रहे थे, अब इस अगर इस तरह दिया जाएगा तो कैसे करेंगे, तो इसको भी गाइस ब्रेक कर लो, 300% प्लस 54 6/11%, ठीक है। तो 300% का मतलब क्या होता है गाइस, 3, और 54 6/11 का मतलब क्या होता है गाइस, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे गाइस, ठीक है, तो 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 9 1/11, ठीक है। अभी ये 9 1/11 का ये कितना गुना हो रहा है गाइस, 6 गुना ही तो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इधर पे इंटू 6 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा गाइस, 54 6/11, तो ये एक्चुअली में ये किसका है, 6/11, ठीक है, 54, तो ये कितना है गाइस, 6/11 आ जाएगा इधर पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके 33 + 6 कितना होता है, 54, ठीक है, 54 और 54, एक सेकेंड गाइस,
तो 33 प्लस 6 कितना होता है गाइस, ये हो जाएगा 33 प्लस 6 39, ठीक है, बाई 11, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू होगा इसका, ठीक है गाइस। ऐसा एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं लेता हूँ गाइस 726, ठीक है, 2/3%, ठीक है। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे गाइस, सेम पहले जैसे कराया था, इसको ब्रेक कर लो 700% + 20% + 6 2/3%, ठीक है। अब ये 7 का मतलब क्या होता है, 700 का मतलब क्या होता है, 7, 20% का मतलब क्या होता है गाइस, 1/5, ठीक है। 20% का मतलब 1/5 ही तो होगा, आपको पहले बताया था, ठीक है। प्लस, और ये 6 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है गाइस, 1/15। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो गाइस कितना आ जाएगा, आप एलसीएम ले लो, 15 हो जाएगा इधर पर, 15 7 जा कितना होता है 105 प्लस 3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो गाइस कितना आ जाएगा, 109/15। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा गाइस ये होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये चार मैंने एग्जांपल दिए, ठीक है। आपको अगर कितने भी डिफिकल्ट फ्रैक्शन क्यों ना दिया होगा परसेंटेज में, ठीक है, मतलब कितने भी डिफिकल्ट फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज क्यों ना दिया होगा, आप इजिली उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो और अपना आंसर निकाल लो, ठीक है। चलो अब कुछ और कुछ लेते हैं, ठीक है। अब गाइस कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कि को परसेंटेज दिया होगा तो किसी नंबर का कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो गाइस अगर आप इस मेथड से आप इसको करोगे तो आपको काटा कुटी करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बट आपको अगर फ्रैक्शन का पता होगा, फ्रैक्शन अगर ब्रेकिंग मेथड पता होगा कि कैसे मैं ब्रेक करूंगा या किसी भी परसेंटेज को, ठीक है, कि हम मेरा इजीली मेरा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कैसे ब्रेक करूंगा, तो गाइज इसको देखते ही मेरे दिमाग में क्या घंटी बजता है, मेरे दिमाग में घंटी बजता है 50% + 14.28%, ठीक है। तो गाइज ये देखे तो मुझे तो यही लग रहा है, यही होगा, इंटू 259, ठीक है गाइज। बहुत ही मस्त ट्रिक बताऊंगा गाइज इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अब 50% का मतलब क्या होता है गाइज, 50% का मतलब होता है हाफ, प्लस अभी 14.28 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है गाइज, 1/7, ठीक है, इंटू 259, ठीक है। अब गाइज क्या करेंगे, अभी गाइज ऐसा नहीं करेंगे कि इसको एलसीएम करेंगे लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे काटे कूटे करेंगे, वैसा नहीं करेंगे गाइज, ठीक है। अब इसको करेंगे क्या, आप एक काम करो, ठीक है, हाफ को आप इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देखो गाइज ये क्या दिया, 259, ठीक है, और ये दिया हाफ। अगर मैं कोई भी नंबर को हाफ करूंगा तो वैल्यू निकल आएगा हाफ का। देखो 259 है, ये कभी भी 259 हाफ होगा नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट करने से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। आप ऐसा करो गाइज, इसको एकदम एग्जैक्ट नंबर कर लो जिसका हाफ करने से मेरे को कोई नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 259 है तो मैं इसका करीबी क्या हाफ कर सकता है, 260। तो 260 का हाफ कितना होता है गाइज, 130, ठीक है, 130 ना होता है गाइस, ठीक है। अभी मैंने कितना नंबर बढ़ाया था, एक नंबर बढ़ाया था, तो एक का हाफ कितना होता है 0.5। अब मैं 130 में से 0.5 माइनस करूंगा तो गाइस कितना आ जाएगा, 129.5, ठीक है, और 1/7 इसका कर देंगे तो इसको काट देंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा गाइस, 37 बार में कट जाएगा। बस अब इसको प्लस कर दो, आपका आ जाएगा 166.5, ठीक है। तो यही मेरा आंसर है, ठीक है गाइस। तो गाइज ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हर कोई कर लेगा, ठीक है। बस आपको फ्रैक्शंस का मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलो आपको ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और लेके दिखाता हूँ। तो गाइज मैंने एक नंबर लिया 237% of 640। तो ये गाइज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इसको गाइज मैं मस्त ट्रिक से बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो करना क्या है, 237 है, अब इसको ब्रेक कर लो, 237 है तो इसको मैं 200 में ब्रेक कर सकता हूँ, प्लस 37 को मैं गाइस 37 नहीं लिखूंगा गाइस, इसको मैं क्या करूंगा, 40% - 3%, ठीक है गाइस, इसको मैं इस तरह ब्रेक करूंगा, ठीक है, इंटू 640, ठीक है। अब आप बोलोगे गाइस 40 - 3, क्योंकि गाइस ये 40 - 3 करने से मेरा कैलकुलेशन इजी होगा, ठीक है। अगर मैं 37% लेके करूंगा तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो मैं अगर 40 - 3% करूंगा, 40 - 3 का मतलब क्या होता है गाइस, 37% ही तो होता है, तो अगर मैं 40 - 3% करूंगा, ठीक है, तो भी मेरा आंसर उतना ही होगा। मैं 37% लेके करूंगा तब भी मेरा आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। अब गाइस 200 का मतलब क्या होता है, टू,
200% का, 40% का मतलब क्या होता है गाइस, 0.4 माइनस, और 3% का मतलब क्या होता है 300, 3 बाई 100% ठीक है, इंटू 640 ठीक है। अब मैं 2 को इंटू करूँगा 640 में, तो मेरा आता है 1280 प्लस, और 0.4 को अगर मैं 640 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 256 ठीक है, माइनस, और 3 बाई 100 इंटू 640 करूँगा तो ये मेरा आ जाता है 19 पॉइंट, ये आ जाएगा गाइस 19.2 ठीक है, 0 0 कट जाएगा, 3 इंटू 64 19192 आता है, 1 0 बच गया, पॉइंट लगा दीजिए। इसको सॉल्व करोगे तो गाइस आपका आंसर आएगा 16.8 ठीक है गाइस। तो ये सिंपल सा मेथड था गाइस किस तरह इसको सॉल्व करना है ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आप फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइज एक और क्वेश्चन है ठीक है, 176.66% ऑफ 111 ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है गाइज, इसको सॉल्व कैसे करेंगे गाइज, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इसको पहले ब्रेक कर लो, मैं इसको करूँगा 100% में प्लस, अगर देखो 76.66% है ठीक है, अगर मैं 76 में से अगर मैं 60% को अलग करता हूँ, बचा कितना 16.66% ठीक है, इंटू 111 ठीक है, 100% का मतलब क्या होता है गाइस, 160% का मतलब क्या होता है गाइस, 0.6% ओके, और 16.66 मतलब परसेंट मतलब पहले भी बताया गया 1/6% ठीक है, सॉरी 1/6 इंटू क्या करना है गाइस, इंटू 111 करना है ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका गाइस आंसर आ जाएगा ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो गाइज आपका ये आ जाएगा 66.6, और इसको सॉल्व करेंगे तो 111/6। अब गाइज आप इसको फर्दर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपका जो एक आंसर आएगा ठीक है, और उसके बाद 6 से डिवाइड करोगे तो आपका वो पॉइंट में आंसर आएगा ठीक है। तो गाइज आप इसको खुद से कर लेना ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ ठीक है। सपोज अब गाइज यहाँ से थोड़ा दूसरे टाइप का पैटर्न आ गया ठीक है, परसेंटेज निकालने का ठीक है। अभी इसको कैसे करेंगे, जैसे सपोज 343% ऑफ 289 ठीक है, तो आपको जब भी इस टाइप का दिखेगा गाइज कि परसेंटेज आप किसी नंबर से बढ़ा है, तो आप क्या कर लीजिए गाइज, आप इसको उल्टा कर लीजिए ठीक है, 289% ऑफ ठीक है 343 ठीक है। क्यों किया, रीज़न बता रहा हूँ, अगर आप इस नंबर का 243% निकालोगे तब भी एक नंबर आएगा, या फिर अगर आप कि इस अगर या अगर आप इस नंबर का 289% निकालोगे तब भी एक नंबर आएगा, तो दोनों नंबर सेम आएंगे ठीक है, चाहे आप इसका इतना परसेंट निकाल लो या फिर इसका इतना परसेंट निकाल लो, दोनों का नंबर सेम ही आएगा। तो मैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्यों ना मैं इसको परसेंटेज में चेंज कर लूँ ठीक है, अगर मैं इसको परसेंटेज में चेंज करता हूँ तो इसको मैं कैसे ब्रेक करूँगा गाइस, इसको मैं ब्रेक करूँगा, देखो गाइस ये किसके पास है, 289 किसके पास है, ये 300 के पास है ठीक है, 300 के पास है। अब ये कितना 300 के कितने पास है गाइस, 11 नंबर पास है। अब 11 नंबर को मैं कैसे ब्रेक करूँगा, अगर मैं 11 300 से माइनस करूँगा तो 289 ही आएगा, मतलब परसेंटेज तो मेरे को इतने से निकालने से मतलब है। तो मैं 11 को कैसे ब्रेक करूँगा गाइस, तो 11 को मैं 10% ठीक है माइनस 1% करूँगा ठीक है, तो इसमें मैं ब्रेक करूँगा इंटू 343। देखो गाइस कितना ईजी हो गया क्वेश्चन ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 9 12 9 10, और ये 20 पीछे ठीक है, सॉरी 20 ये तो कट जाएगा ठीक है, परसेंटेज है तो 20 कट जाएगा। अब ये 10% है तो 10% का मतलब क्या हुआ, माइनस ठीक है, ये कितना हो जाएगा गाइस 34.3 माइनस 1% का मतलब क्या होता है 3.43 ठीक है, इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस करो 1029 से ठीक है, ये कितना होगा 37.73 ठीक है, और इसको माइनस करोगे तो गाइस कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 7 9 में से 7 गया 2, और ये हो जाएगा 8 में से 7 गया 1, और 11 में से 3 गया गाइस 9, और ये बचा 1 सॉरी ये बचा 9 ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा ठीक है। तो गाइस इस टाइप के पैटर्न का एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ ठीक है। अब गाइस 7 ये दिया हुआ है ठीक है, 7.44% ऑफ 3750 ठीक है। तो गाइज अब तो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि परसेंटेज अगर इससे ज़्यादा बड़ा हो गया तो कैसे करेंगे ठीक है, कन्वर्ट कर देंगे। तो इधर परसेंटेज छोटा है लेकिन फिर भी इधर क्या करेंगे गाइज, हम लोग परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे ठीक है। अब इसको करेंगे गाइज कैसे ठीक है, इसको मैं सीधा सीधी मैं लिख देता हूँ कितना,
74% की जगह पे मैं लिख देता हूँ 33,750% ठीक है, ऑफ 707.44 ठीक है, परसेंटेज मैंने इधर लगे। अब इधर पॉइंट है, इसको पॉइंट हटाना है, तो इसको पॉइंट हटाऊंगा तो मैं इधर इधर लास्ट में दो डिजिट से पहले पॉइंट है, तो इधर भी मैं लास्ट के दो डिजिट से पहले पॉइंट दे दूंगा ठीक है, ऑफ सॉरी इंटू 744 ठीक है। अब गाइज मुझे आप ये बताओ कि ये 737.50 ये किसके बराबर है ठीक है। आपको जब मैं फ्रैक्शन बता रहा था तो आपको मैंने बताया था कि 12.5 ठीक है गाइज, 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। अब अगर आप गौर से देखोगे ये 12.5 का ये 3 गुना है, मतलब ठीक है अगर ये 12.5 का 3 गुना है तो ये 1/8 का भी 3 गुना होगा, 3/8 ठीक है गाइज। तो ये हो जाएगा 3/8 इंटू 744। अब गाइज इसको काट लो, 7 9 जा 42 और 3 जा ठीक है 93 आया, अभी 93 इंटू 3 करो ठीक है 9 जा और 27। तो गाइज देखो मैंने कितना इजीली आपको ये क्वेश्चन करके दिखाया ठीक है। तो गाइज अभी तक मैंने जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन लिए सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, स्टेट लेवल में, FCI में, ग्रुप डी में ठीक है, रेलवे में, इवन NTPC में भी पूछा गया है, 10+2 में पूछा गया है ठीक है, SSC के एग्जाम में भी पूछा गया है ठीक है, इवन CGL के एग्जाम में भी पूछा गया। आपको ये क्वेश्चन मैं करके अभी बता रहा हूँ जो कि CGL 2017 मेन्स में आया था ठीक है, जो कि अब तक का सबसे मेंस मेंस का सबसे टफेस्ट एग्जाम, सीजीएल का सबसे टफेस्ट एग्जाम बोला जाता है ठीक है। आपको मैं वो क्वेश्चन एक करके दिखाता हूँ। तो गाइज ये है जो गाइज ये 2017 मेंस में आया था ठीक है। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा गाइज ठीक है, देखो गाइज कितना इजीली मैं इसको सॉल्व करूंगा ठीक है। मेरे को क्या करना है, 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 का निकालना है ठीक है। तो 50,000 कैसे निकालेंगे गाइज, देखें 50,000 ठीक है। अब गाइज आप मुझे ये बताओ कि 120 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। अगर मैं 120 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालूँ गाइज, 120 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, 100% प्लस 20%। 100% का मतलब क्या होता है 120% का मतलब क्या होता है 1/5, तो ये कितना हो जाएगा 6/5, तो ये हो गया गाइज 6/5 ठीक है। और 0.08% का मतलब क्या होगा गाइज, 0.08% का मतलब क्या होता है, यहाँ से 2 जीरो हटा दो ठीक है। अगर आप फर्दर इसको आप काटते हो तो ये कितनी बार में जाएगा गाइज, ये हो गया 100 बार में ठीक है। अभी गाइज इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा गाइज ठीक है, और इधर परसेंट के और ये 100 कट जाएगा इनटू इधर पे 100 होगा परसेंट का ठीक है। तो ये 100 ये परसेंट के लिए कटा ठीक है। तो गाइज इसको सॉल्व करने से कितना आया 48, तो हमारा आंसर कितना हुआ गाइज 48। तो गाइज ये था अब तक का ब्रेकिंग मेथड ठीक है। तो गाइज इतना ही है ठीक है इसमें ठीक है, तो ज़्यादा कुछ था नहीं, जितना था मैंने बता दिया। और मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं गाइज ये किसी ना किसी एग्जाम में आया है ठीक है, ग्रुप डी में आया है ठीक है, और हाँ ग्रुप डी में आया है गाइज, और SSC के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, 10+2 के एग्ज़ाम में ठीक है। और जैसे आपको मैंने ये CGL का दिखाया, मेंस में सोचो आपको मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो CPO, MTS और 10+2 में क्यों नहीं आ सकते, इवन आपका FCI में भी पूछा गया है, NTPC में भी पूछा गया है ठीक है। तो मैं आपको गाइज बता रहा हूँ कि आगे जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं गाइज इसी टाइप के आपको फ्रैक्शन दिया जाएगा और इसी टाइप का आपको परसेंटेज भी दिया जाएगा ठीक है। अगर आप बेसिक से सॉल्व करोगे तो आपका गाइज आप 2-3 क्वेश्चन का टाइम एक ही सिंपल सा क्वेश्चन करने में ही सॉल्व कर दोगे। तो गाइज आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो फ्रैक्शंस आपको मैंने बताया परसेंटेज ठीक है, इसको बाय हार्ट याद कर लीजिए, और किस तरह ये सॉल्व करेंगे आपको मैंने अब नंबर्स ऑफ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएं, इसको बार बार कीजिए और खुद से कोशिश करिए कि क्वेश्चन खुद से बना के किसी भी नंबर का परसेंटेज बना के खुद से सॉल्व करें ठीक है। इससे क्या होगा आपको कैलकुलेशन फास्ट होगा ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही रहने देते हैं ठीक है। तो बस परसेंटेज ब्रेकिंग मेथड में इतना ही था ठीक है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे मैंने करा दिया ठीक है। अब इसको प्रैक्टिस कीजिए, अभी नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा गाइज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट डालूंगा ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अच्छा लगे तो लाइक करें ठीक है, कमेंट करें, और दोस्तों और फ्रेंड्स रिलेटिव्स को मेरे चैनल के बारे में अवेयर करें ठीक है। और बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ सिंपल इंटरेस्ट के साथ ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।